नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू बिजनेस टेक एंड सपोर्ट में। मेरा नाम अश्विन चौहान है और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्केट प्रेडिक्शन का वीडियो। जैसे कि हमने मंडे मार्केट को प्रेडिक्ट करते हुए आपको वीडियो दिया था जिसमें हमने यहाँ पे लेवल्स बनाए थे और आज यहाँ पे देखो इसी लेवल के बीच में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए क्लोज हो गया। मार्केट की जो क्लोजिंग है 24,170 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिली और आज हम पता लगाएंगे कल यानी कि 3 जुलाई को मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है और किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो मेरे भाई तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। यहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलते रहने वाले जेन्युइन कंटेंट के साथ। सीधे मैं इसको टाइम फ्रेम में चेंज कर लेता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जो लेवल्स बना रखे थे मंडे मार्केट का प्रेडिक्शन का, आपने वीडियो देखा कि रेगुलर हमें फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये 3 जो है सपोर्ट लेवल्स हमने बनाए थे। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रेड लाइन्स हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करी थी और आप देखो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने रिहर्सल भी लिया, यहाँ पे गिरावट भी हुई, कंसोलिडेशन यहाँ पे मार्केट कर रहा है। कल के दिन भी यही लेवल्स जो है वो बरकरार रहेंगे, आपको इस लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। पहला लेवल जो हमने यहाँ पे बनाया है 24,000 का बनाया है जो कि इंपोर्टेड सपोर्ट है, इसको मार्केट ब्रेक करता है तो एक डेफिनेटली बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है आज भी वही रेजिस्टेंस है जो कि हमने यहाँ पे बना रखा था 24,170 के आसपास, 80 के आसपास, ओके। तो इसको अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट में नया हाई लगेगा जिसके चांसेस अभी फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं। वापस से 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कल के डेट में जो है हो सकता है साइडवेज टाइप मूवमेंट हमें देखने को मिले, लेकिन ये जो हमने दोनों तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हैं यहाँ कहीं मार्केट आकर के कंसोलिडेट करता है तो डेफिनेटली मार्केट में ऊपर की तरफ आपको एक स्विंग ट्रेड मिलेगा और ऊपर की ओर जा करके यहाँ कहीं रेजिस्टेंस बनाता है तो आपको पुट की साइड में एक स्विंग ट्रेड मिलेगा। फिलहाल जो स्केल्प ही लगेंगे, मुझे नहीं लगता बड़ा मूवमेंट मार्केट में आएगा और अगर बुरा मूवमेंट मार्केट में आएगा तो वो डाउन साइड ही आएगा, पुट की साइड में ही हो सकता है। बहुत बड़ा मूव अगर आपको देखने को मिले तो हो सकता है वो पुट की साइड में देखने को मिले, डेफिनेटली सी बात है क्योंकि मार्केट में बजट आने वाला और बजट से पहले कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है तो सब लोग नया पैसा डालने से पहले देखना चाहते हैं कि कौन से जो है फील्ड के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर पैसा जाने वाला है, बजट आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो पैसा लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो तब तक क्या होगा, कंसोलिडेशन मूवमेंट होगा, अगर होगा तो भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, वो भी इस लेवल को जब ब्रेक करता है उसके बाद। बाकी ये जो 2 सपोर्ट लेवल्स हमने बना रखे हैं उसके साइड में आप कंसोल्ट करके देख लो, डेफिनेटली इससे अच्छा पैसा बनने के चांसेस होंगे। अब सीधा बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे आप देखो सेम टू सेम सीनियर रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग आप देखो 52,150 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो क्लोज होता हुआ हमें दिखा। बाजार में देखो साइडवेज मोमेंटम है, यहाँ पे भी हमने जो रेंज बना रखी है, पहले मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखो हमने जो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए थे एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे से मोमेंट दिखाया, अगर मंडे का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ जैसे इसको ब्रेक करा आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक डाउन साइड मोमेंट आया और यहाँ पे वापस से मार्केट कंसोल कर रहा है। सपोर्ट जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, सपोर्ट जो है यहाँ पे 51,660 के आसपास का ये जो सपोर्ट है ये बरकरार रहेगा, यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस हैं तो इस हिसाब से आप जो है ट्रेड कर सकते हो। वापस से मैं जाता हूँ 5 मिनट पे और हम पता लगाते हैं क्या हो सकता है गैप डाउन या गैप अप के सिनेरियो में किस तरह से आप ट्रेड करोगे। तो पहली बात, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट जो है यहाँ पे 52,000 के आसपास कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, कंसोल करेगा, यहाँ पे कंसोल करता है तो डेफिनेटली की बात है कि आपको एक जो है कॉल की साइड में स्केल्प ट्रेड मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग हो सकती है यहाँ पे, तो गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस जो है वो भी बहुत रेयर केस में, वो भी बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग यहाँ पे आपको नहीं दिखने को मिलेगी, हो सकता है 50, 60, 100 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और वहाँ पे भी एक ऊपर की ओर यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस बनाएगा 52,300 के आसपास यहाँ कहीं, और उसके बाद जो है वहाँ पे मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा। ऑल ओवर में सीनरी कहूँ तो साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। बाकी ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रखे हैं, मैं इसको छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर की ओर यहाँ पे जो है अगर कहीं पे भी मार्केट जाता है तो आप पुट की तरफ में एक ट्रेड प्लान कर सकते हो स्केल्प का, और यहाँ कहीं अगर सपोर्ट लेता है तो आप जो है कॉल की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते हो स्केल्प का। बाकी इसके नीचे यहाँ कहीं अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि हमने जो ये सपोर्ट लेवल बना रखा है 51,660 के आसपास का, इसके नीचे यहाँ कहीं मार्केट की क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली मार्केट में एक बड़ा गिरने वाला मूवमेंट जो है वो बनेगा और वो जो भी होगा वो सारा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो कर लीजिएगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।